मैं जा रही हूँ कराची। फिर हम निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। बोर्डिंग पास मिल चुका है और अब हम गेट नंबर 13 के पास जा रहे हैं। होंगे खुश होंगे और खैरियत से होंगे। सो गाइस, थंबनेल से तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि ये वीडियो किस पर है। जी हाँ, मैं जा रही हूँ कराची और मेरे साथ जा रही हैं हादिया, जो कि मेरी छोटी सिस्टर हैं। और ये हम क्यों जा रहे हैं, ये ट्रिप क्यों प्लान हो रहा है, वीडियो के अंदर मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो अभी बस थोड़ी सी पैकिंग रह गई है, वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर मैं दोबारा आ। और बस मैं अब ड्राइवर का वेट कर रही हूँ, जैसे ही ड्राइवर आता है फिर हम निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। हादिया भी फुल रेडी है, मैं भी रेडी हूँ, पैकिंग भी हो चुकी है। और हाँ, एक और चीज़, एक और सरप्राइज़ है इसमें कि मेरी जो छोटी सिस्टर है अबीरा, उसका है शूट। होपफुली वो 20th के बाद हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, मैं भी उसमें होंगी फिर। सो गाइस, ड्राइवर आ चुका है और बस हम निकल रहे हैं उसके लिए भी। और वो अबीरा, मम्मा और हुसैन जा रहे हैं क्योंकि हुसैन बहुत तंग कर रहा है वगैरह, मैंने भी जाना है साथ, वो बहुत रोया। और बस हम इसके पीछे से निकलेंगे, इसको पता ही ना चले, ये तो बहुत रोएगा, उनसे वो बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होता। लाहौर का वेदर इतना अच्छा हो रहा है सिर्फ देखने में, अदरवाइज बहुत गर्मी है। मेरे साथ हैं हादिया हाशमी, जिसको तो आप जानते ही हैं, पूरे पाकिस्तान की सिंगर है वो। सो वो मेरे साथ बैठी हैं क्योंकि वो मेरी छोटी सिस्टर है। आपको अपने फोन का कवर कैसा लग रहा है? सिंपल है लेकिन अच्छा लग रहा है। और अभी हम बहुत जल्दी में हैं, बहुत जल्दी हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और हादिया ने अभी भी एयरपोर्ट से लगाए हुए नहीं। बोर्डिंग पास मिल चुका है और अब हम गेट नंबर 13 के पास जा रहे हैं। अब ज़्यादा बहने हो ना, हाँ। फिर ना जैसे हमारी एक बहन है अबीरा और एक, हाँ, अबीरा तो बहुत टॉकटिव है, हाँ, और वो मुन्ना भी, हाँ, इर्तज़ा भी। अच्छा, मैं आपको दिखाऊंगा, एक मोटू सा एरोप्लेन खड़ा है यहाँ पे, लग रहा है कि वो ना थोड़ा सा अंदर को हुआ है ना। हमारी जो है ना फ्लाइट, वो एक घंटा लेट है क्योंकि हम जल्दी आ चुके थे एयरपोर्ट पर, क्योंकि बाबा ने हमें बहुत जल्दी पहुँचा दिया। तो अब एक घंटा में समझ नहीं आ रही हम करें क्या, तो अब हम पूरे एयरपोर्ट को एक्सप्लोर करेंगे। जब ये क्या चीज़ है? अच्छा हाँ, ये वहाँ से ये जब आ दिया तो ये चीज़ ना उन लोगों के लिए भी अच्छी है। ये वीडियो जो फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट आ रहे हैं तो वो इस वीडियो को देख के ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, तो कीप शेयर। अब हम चल रहे हैं आगे, यहाँ पे और हमें क्या मिलता है, यहाँ पे आगे रेस्टोरेंट आ रही है ना कॉफ़ी लिए, और यहाँ पे एक रेस्ट एरिया भी है। जब तक आपकी फ़्लाइट नहीं आती ना तब तक आप यहाँ पर रेस्ट करें, साथ में कॉफ़ी भी है। आ गया है जी स्ट्रीट हाउस एंड कैफ़े, यहाँ की चीज़ें बड़ी मज़े की लग रही है। लेकिन मैंने अभी मीठा छोड़ा हुआ। लेडीज़ टॉयलेट, और टॉयलेट बहुत साफ है इनका। ये भी कॉफ़ी प्लेस है। और ये जो मैं आपको नोवल की बात कर रही थी कि आपकी जब तक फ़्लाइट लेट है तब तक आप यहाँ बैठ के नोवल पढ़ सकते। एक जैसे हम एंटर होते हैं यहाँ से एंटर होते हैं तो ये जगह हमें मिलती है। अभी मैं आपको ऊपर से भी दिखाती हूँ कि ऊपर किस तरह से। ये है जी 12 और वो पीछे आ जाते हैं ऐसे, मतलब जी जिसकी फ़्लाइट जो जो सी है वो जिस गेट पे होगी वो ऊपर नाम लिखा होगा, हमारे इसके ऊपर भी लिखा होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम चलेंगे। यहाँ से जाते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं। मुझे लगता है ये ना चलिए, ये इनका चल रहा है। जब भी हम आए ना ऊपर रश नहीं होता। एक बार मैंने यहाँ पर देखी थी लोग, वो भी कुछ ही थे उनका। ये देखें ऊपर भी ऐसे क्या है जी, ये क्या है पता नहीं क्या, ऊपर से कुछ इस तरह का व्यू। मेरा बोर्डिंग पास भी इन्होंने कर लिया है, एक अपने पास रख लिया, एक हमें दे दिया क्योंकि सामान वाला। तो मैं अभी आपको बाहर से दिखाती हूँ व्यू। हाँ दिया,
लो। अच्छा तो बस हम अंदर जा रहे हैं और मैं भी आपको अंदर का रास्ता भी दिखाती हूँ। मैं और हादी अपनी सीट्स पे बैठ चुके हैं। व्यू है कुछ सीट बेल्ट पहन ली है, हादिया ने भी नहीं पहनी। और अभी हम बातें कर रहे थे कि ये देखें, ये हमें मिलता है बाहर से 60 या 80 रुपीज़ में, और यहाँ से हमें मिल रहा है ये 200 के पास। और ये सिर्फ इसके अंदर हवाई है, कुछ खास नहीं है। जब इसको खोलना है बिल्कुल थोड़े से चिप्स होने। तो एक और चीज़ बताऊँ कि हमें देखिए गैस का पैकेट पूरा हवा भरी हुई है इसमें। जब हम लैंड होंगे ना तो इसकी आवाज़ खुद ब खुद निकल जाएगी। अभी इसको ओपन नहीं करेगी लेकिन फिर भी इसकी खुल जाएगी। आपको हमसे शेयर करना चाहूँगी किट है, इसमें ये चीज़ पड़ी हुई है। पढ़ना लास्ट में, इसको इग्नोर मत करें। जो भी यहाँ पर प्लेन में सफ़र करते हैं, ट्रैवल करते हैं, वो लाजमी इस चीज़ को पढ़ें कि इसमें क्या है और किस तरह से क्या क्या चीज़ें इसमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। बेसिकली इसमें मैंने एक चीज़ नोटिस की जो कि बहुत बड़ी एक मिस्टेक है, इनको वो इम्प्रूव करनी चाहिए। ये देखिए हिफाजती का ये देखा नहीं मिला। अब ये एक जगह पर नहीं है, इस सब जगहों पर इसका तो है ही हादिया का फैन टाइम चल रहा है अभी। हम इनमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, मुझे इंसिस्ट कर रही हैं आप भी आ जाए, लेकिन मैं थोड़ी ना स्टार हूँ। हम सामान के लिए जा रहे हैं और ये ना हो ना हमारा सामान इधर उधर हो गया, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें पड़ी हुई हैं सामान में। हाँ गोल गोल घूम रहा था। अच्छा यहाँ पर ना एक ऐड चल रही है विंटर लैंड की, मुझे था कि सिर्फ लाहौर में। नहीं नहीं नहीं, वो लाहौर में भी है, अब इस्लामाबाद में, दुबई, लाहौर और कराची में। अच्छा तो लाहौर वाले में मैं नहीं गई क्योंकि मैं बहुत बिजी थी, तो हादिया और अबीरा ने वहाँ पर विज़िट कर लिया था। इन्होंने वीडियोज़ वगैरह बनाई हैं। अच्छा वीडियोज़ की हैं इन्होंने, लेकिन मेरे ख्याल से अभी अपलोड नहीं की, टाइम ही नहीं लग रहा। तो अगर हमें यहाँ पर टाइम लगता है तो फिर हम जाएंगे विंटर लैंड। ठीक है, हमारा यहाँ पर शूट है, उस शूट से फ्री होके एक तो मीटिंग देके उसके बाद फिर वो तो कर ले। आज हम नहीं, आज एक वो है ना हमारी मीटिंग है, वो तो आपकी है। मेरी मीटिंग है इससे रिलेटेड है। मेरी अपनी नहीं है। तो बस अब हम एक मीटिंग देंगे, उसके बाद एक और पर्सनालिटी जिससे मैं आपको मिलवाऊँगी। सामान ले लिया अपना और हम बाहर जा रहे हैं, और बाहर का मौसम कितना प्यारा होगा। दिखाते हैं यहाँ पर हमारे नाम का कोई बोर्ड होगा, अभी नहीं रिजेंट नहीं है हमारा तो। ये आपको दिखाती हूँ कराची का व्यू जो एयरपोर्ट से नज़र आता है। इतना प्यारा मौसम हो रहा है,
कराची की वाइब्स मुझे हमेशा से बहुत पसंद है। वेलकम टू कराची। इतना प्यारा मौसम हो रहा है ना, मूड भी इतना अच्छा हो गया। वैसे कहा जाता है कराची में ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन लाहौर में ज़्यादा गर्मी है। अब मैं बाहर आ गई एयरपोर्ट से। अभी अगर इसमें मैं ऐड कर देती हूँ तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है, आप लोग भी बोर हो जाते हैं। तो अब ये है कि नेक्स्ट व्लॉग इसका पार्ट टू मैं बनाऊँगी और उसके अंदर सारा विजिट करवाऊँगी आप। थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो को लाइक किया और इतनी ज़्यादा दुआएँ दी। सो अब इस वीडियो को भी आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को।